हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक राज चैनल। आज हम आपको टाटा एस गोल्ड प्लस का स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि ये सब गाड़ी अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती है तो क्या क्या चेक करना पड़ता है। और इसमें मैं लैपटॉप लगा के भी दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये गाड़ी है, जैसे हम अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका आपकी गाड़ी में चेक लाइट आया हुआ है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। यहाँ से मैं चाबी मार रहा हूँ, देखिए चाबी पूरा वो कर दे रहा हूँ क्लच पर पैर दबा के, तब भी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये सिक्स गाड़ियाँ बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लैपटॉप लगाते हैं। आइए, चलिए लैपटॉप लगा के आपको दिखाते हैं कि क्या फॉल कोड आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग लैपटॉप लगा चुके हैं, इसमें फॉल कोड आ रहा है आपका P0615/13 P064C A2। ये फॉल कोड आ रहा है जिसमें आपका स्टार्टर रिले सर्किट ओपन और दूसरा ग्लो प्लग कंट्रोलर मॉडल सिस्टम वोल्टेज लो दिखा रहा है। तो ये दोनों हम लोग चेक करेंगे। तो आइए इसका हम डिस्क्रिप्शन पूरा समझते हैं कि आखिर ये कहाँ पर ले जा रहा है स्टार्टर रिले। तो ये आपका पूरा डायग्राम है जहाँ से हम लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टार्टर रिले जो बता रहा था, स्टार्टर मोटर दिखा रहा है सेल्फ को जो दिखा रहा है, तो उसमें बता रहा है कि आपका स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, इंजन विल नॉट स्टार्ट, ये आपका सब कोड दे रहा है यहाँ पर। और ये आपका फॉल कोड है। तो ये चीज़ है। तो पहले हम यहाँ से सेल्फ को भी चेक करेंगे। सेल्फ चेक करने के बाद दूसरा फॉल कोड का हम देखते हैं कि उसका क्या बता रहा है। जो आपका यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर करेक्शन डिटेल्स देखते हैं। इसमें ग्लो प्लग का बता रहा है, तो ये ग्लो प्लग ही दिखाना चाहिए जहाँ आशा है। देखिए, इसमें लिख रहा है कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम, इस साइड में इफेक्ट ऑन व्हीकल जो लिखा है, बैटरी वोल्टेज लो, ग्लो प्लग फ्यूचर, ये सब आपका ये दिखा रहा है। तो इसका नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करने के बाद इसका दिखाएगा डायग्राम में कि क्या चीज़ का ख़राब हो सकता है। ये डायग्राम है कि कैसे कैसे क्या चेक करना है। ये देखिए, आपका ग्लो प्लग इसका दिखा रहा है, जिसको हम लोग आम भाषा में हीटर प्लग भी कहते हैं। तो ये सब हम लोग चेक कर लिए। चेक करने के बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों का, जो बैटरी के पास फ्यूज लगा रहता है वहाँ पर जाते हैं। ये आपका देखिए, बैटरी के पास फ्यूज लगा है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। अभी ये फ्यूज ख़राब था, देखिए ये नया फ्यूज हम लोग लगाए हैं, ये पुराना फ्यूज है 60 एम्पियर का, तो नया वाला लगाए हैं। तो गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है। अब ये पुराना वाला फ्यूज देखिए आपके सामने रखा गया है, ये पुराना फ्यूज। इसमें भी आपका यहाँ पर देखिए पूरा बकायदे टाटा मोटर इंडिकेट कर रखी है कि स्टार्टर 400 एम्पियर, बैटरी जो है 60 एम्पियर, EMS एक्सीलेटर इग्निशन जो ये फ्यूज है 60 नंबर का, ये आपका उड़ गया था जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाकी वो सब तो जो प्रॉब्लम दिखा रहा था वो सब सही था। तो अब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।